नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम अत्री स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल अत्री आयुर्वेदा में। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कब्ज के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताजो आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके और आप वीडियो का भरपूर फायदा उठा सके। सो वीडियो को लंबा ना करते हुए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम किन लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। कब्ज की समस्या उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जिनका काम बैठकर करने वाला है, अर्थात जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं। दूसरा, उन लोगों में ज़्यादा देखी जाती है जो फास्ट फूड का सेवन जो है अधिक करते हैं, लिक्विड डाइट कम लेते हैं अर्थात पानी कम पीते हैं, और भी कई कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन की समस्या के लिए, लेकिन ये दो मेन मेजर कारण है। इसके बाद बात करते हैं इसकी रोकथाम यानी कि प्रिवेंशन के बारे में, अगर कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना जो खान पान है उसको सुधारना पड़ेगा। दूसरा, हमें जो है एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक वो करनी चाहिए। थर्ड, हम जिमिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, इससे हम जो है इसकी रोकथाम कर सकते हैं अपना खान पान सही बनाकर। और अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो चुकी है तो ठीक है, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसका उपचार है, ठीक है। उसके लिए आप नोट कर सकते हैं, तो आप होम रेडमीज काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन मैं आपको एक दो बताऊंगा जो कि बहुत ही ज्यादा कारगर है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, इसबगोल जो कि आसानी से हर घर में उपलब्ध होता है, आप इसबगोल ले सकते हैं। 1 चम्मच इसबगोल रात को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा, त्रिफला जो कि हर मेडिकल स्टोर पे उपलब्ध होता है, त्रिफला टेबलेट्स भी आती हैं और चूर्ण भी आता है, आप वो ले सकते हैं। सुबह शाम 1 चम्मच त्रिफला ले सकते हैं या 3 से 4 टैबलेट एक टाइम ही ले सकते हैं। और अगर इन दोनों से भी आपका यह समस्या ठीक नहीं होती, तो जो तीसरा नुस्खा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही कारगर है। तो आपने क्या लेना है, अंजीर और मुनक्का, 4 से 5 पीस मुनक्के की लेनी है और 2 पीस अंजीर, ठीक है। इसको रात को पानी में भिगो कर रख देना है, ठीक है, और मुनक्के का जो है उसका बीज निकाल देना है, बीज नहीं लेना है, ठीक है, उसको पानी में भुगा कर रख देना है। सुबह मुनक्के का बीज निकाल देना है, उसको उसी पानी में जा तो आप मसल लें, जहाँ ऐसे ही चबा के निगल के उसको, तो ऊपर से आप उसका पानी पी सकते हैं, ठीक है। ऐसा करें 3 से 4 दिन में आपकी कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताजो मैं आपको ऐसी ही और समस्याओं के बारे में बता सकूं। धन्यवाद।